फतेहगढ़ साहिब जिला के अधीन पड़ते रेलवे रोड सन्मार्ग से शराब के ठेके खुलने की खबर जैसे ही स्कूली बच्चों के अभिभावकों को लगी तो साथ ही पड़ते दुकानदारों के साथ उन्होंने रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और ठेके को बंद करने की कार्रवाई जल्द अमल में लाने के लिए प्रशासन को कहा। उन्होंने कहा कि ये रेलवे रोड सरहंद हमायपुर का मुख्य बाजार माना जाता है, जहां पर अक्सर यात्री आते जाते रहते हैं। इसके अलावा स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के विद्यार्थी यहां पर आते जाते रहते हैं और शाम को महिलाएं भी खरीदारी करने के लिए बाजार इसी रास्ते से जाती हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर ये ठेका बंद ना किया गया तो इसका खमियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। फतेहगढ़ से संजय सैनी। की कहना चाहते हो जी? साडा जी, साडे सामने लेडीज ब्यूटी दा काम है जी, लेडीज ट्रेलिंग दा बुटीक है जी, ते सामने बाहर खड़ी है। साडे को कड़ा कस्टमर आऊगा जी, दसो की हो गया, की खुले है? सामने बाहर वाइन शॉप खुल रही है जी। अच्छा हां जी, पहला है कि सी थे? पहला तो वाइन शॉप नहीं सी जी, पहले खुल रही है। अच्छा, स्कूल दी गल भी करना? थोड़े स्कूल नाल है जी, तो चार कट कट 100 मीटर स्कूल है जी इथे। अच्छा, बच्चा दा की मार कर दे जी? हां, इथे नु बंद कीता है जी। थोड़ी दूर दे गवर्नमेंट स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे इतने जाने के उन्होंने बहुत ज्यादा माड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इतने सारे ने लिखना और जनानी ने कुड़िया ने भी सानू देखो जी, बहुत औखा बाजार है, आदमी बाहर चले जाते कमां ते, टीवी ने कोई किसे भैन ने किसे बच्चे ने सौदा लैन आना, दवाई लैन आना, देखो सानू बहुत औखा। इत्थे ठेका नहीं खुलना चाहिदा, इत्थे होर कोई जो मर्जी दुकान खड़ा देन। मेरी रिक्वेस्ट है कि इत्थे ठेका नहीं खुलना चाहिदा, सारे रहायशी मकान ने, बच्चे छोटे ने, हर एक बंदा अपने अपने बच्चे नू बाजार च भेजदा आ। ठीक है, कल कोई 19 की होंदी आ, असीं किसे नू कहण तों पहले, असीं पहले ही इत्थे जाम लाना चाहुंदे आ कि इस चीज़ नू बंद कीता जाए।